students, today we will study about second chapter, When You Are Old, composed by William Butler Yeats. We have already studied about the poet William Butler Yeats in previous class, and we have learned his concept, his theme of this poem. Actually, indeed, the concept of this poem is the love. Theme is the love. Actually, हम लोग ये जान पाते हैं कि इनके जीवन में ये एक ऐसा मोड़ आता है जब इनसे एक 23 वर्षीय लड़की से प्यार हो जाता है जिनका नाम है मॉन्टगोमरी, जो आयरिश क्रांतिकारी थी और उन दिनों में उनके साथ एक बहुत बेहतरीन समय गुजरा था और उनका उनसे जो प्यार हुआ उसके बाद बहुत बार उन्होंने मॉन्टगोमरी को प्रपोज किया, राइट, अपने प्रेम को बताने की कोशिश की, अपने फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने की और एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन मॉन्टगोमरी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसके वजह से कई बार रिजेक्शन मिलने के बाद विलियम बटलर यीट्स ने मन में ये सोच लिया कि अब कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ लिखना होगा, तो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया और उन्होंने इस कविता को लिखा मॉन्टगोमरी को डेडिकेट करते हुए, अपने लवर को डेडिकेट करते हुए। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं विलियम बटलर यीट्स की जो प्रेमिका है उनका नाम मॉन्टगोमरी है, जिनको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। अब हम लोग जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं यहाँ, When You Are Old। एक्चुअली ये जो पोम है ये पोम इमेजिनरी पोम है, इन्होंने कल्पना किया है अपने मन में, क्योंकि प्रेमिका जब बूढ़ी होंगी तो उन्हें अपने बीते हुए दिनों को जब याद करेंगी तो उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने एक सच्चा प्यार खोया है, राइट, और वो सच्चा प्यार कौन था उनको ये रियलाइज होगा। तो चलते हैं, ये जानते हैं कि विलियम बटलर यीट्स ने किस तरह से इस पोम में अपने प्यार के फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। तो चलिए, When you are old, brood over your past। जब आप बूढ़ी होंगी और अपने बीते हुए समय को याद करेंगी तो आप कैसा महसूस करेंगे, राइट? सो When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें जानेंगे कि विलियम बटलर यीट्स ने किस तरह से अपने प्यार को एक्सप्लेन किया है। वो अपने प्रेमिका को ये बताना चाहते हैं कि जब आप बूढ़ी हो जाओगी, हालांकि वो बूढ़ी नहीं है, ये उस समय की घटना है जिस समय उनकी प्रेमिका जवान है, लेकिन ये अपने इमेजिनरी फीलिंग्स को शो करते हुए बताते हैं कि जब उनकी प्रेमिका बूढ़ी हो जाएंगी और उनके बाल पक जाएंगे और उनका जो शरीर है वो कमजोर हो जाएगा, तो उस समय उनकी जो प्रेमिका है किसी फायरप्लेस के बगल में बैठ करके आपको सेक रही होगी और उस समय का यह घटना होगा। और वो विलियम बटलर उनको कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि उस समय आप इस किताब को उठाना, इस बुक को उठाना। देखो यहाँ पे दिस बुक, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, राइट, दिस बुक, बुक इज नाउन एंड दिस इज हियर एन एडजेक्टिव। तो जो नाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, राइट, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे दिस बुक, सो दिस यहाँ जो यूज हुआ है वो एक एडजेक्टिव है, राइट, सो इसको हम लोग कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इस बुक को आप उठा के पढ़ना है एंड स्लोली रीड, धीरे धीरे पढ़ना, जल्दी में मत पढ़ना, जल्दी में पढ़ोगे तो शायद बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे पढ़ना, समझ में आएंगी आपको बातें। एंड ड्रीम द सॉफ्ट लुक, और उन सारे जवानी के दिनों को याद कर जब तुम बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। योर आईज हैड वंस एंड ऑफ देयर शैडोज डीप, आपकी आंखें उस समय बहुत खूबसूरत थी, आपकी आंखों में गहराई थी,
आप बहुत सुंदर दिख रही थी, आप उस समय बहुत अच्छे से अपने जीवन को निर्वाह कर रही थी, आपकी लुक बहुत सुंदर थी, राइट। उस समय में अगर आप उन दिनों को याद करेंगे इस कविता के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से, तो आपको एहसास होगा, आप ये भी एहसास करेंगी हाउ मेनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। आपको ये भी याद आएगा कि न जाने कितने लोग थे जो आपको प्यार करते थे, राइट। न जाने कितने लोगों ने आपको अपने जवानी के दिनों में, जब आप खूबसूरत हुआ करती थी, तो उस समय लोग आपके पास आते थे, आपको प्रपोज किया करते थे, आपकी सुंदरताओं की बड़ाई किया करते थे, है ना। एंड लव योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, आपकी सुंदरता की वजह से वो लोग प्यार करते थे और आपको प्रपोज करते थे। हो सकता है उसमें से कुछ लोग मजाक में प्यार करते होंगे, हो सकता है उसमें से कुछ लोग सच्चे मन से प्यार करते होंगे, राइट। ये सर्टेन नहीं है, लेकिन ये तो सही है कि आप जब यंग थी, आप जब बहुत खूबसूरत थी, तो लोग आपके पास आते थे और वो आपको प्रपोज करते थे, आपको प्यार से आपकी बड़ाई करते थे, आपके अच्छे पल अपने साथ बिताने की कोशिश करते थे, राइट। लेकिन आपको एक बात और भी याद होगा, बट वन मैन लव द पिलग्रिम सोल इन यू। लेकिन उस भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जो आपके बाह्य सुंदरता से नहीं बल्कि आपके आंतरिक सुंदरता से प्यार करता था, राइट। वे लोग कुछ लोग थे जो आपके शारीरिक प्रेम था जिसके मन में, हो सकता है, बट यहां एक आदमी था जो आपके मन से प्यार करता था, आपके आत्मा से प्यार करता था। यहां एक वर्ड दिया गया है पिलग्रिम सोल, जरा इसे समझिएगा। पिलग्रिम मीन्स होता है तीर्थ यात्री, सोल मीन्स होता है आत्मा, राइट। तो ये जो पिलग्रिम सोल, ये किसका है? ये पिलग्रिम सोल, ये मॉर्ड बोन का है, राइट। उसकी आंतरिक आत्मा से विलियम बटलर को प्रेम, ये रथ रूपी शरीर में आत्मा रूपी, ये रथ रूपी शरीर में आत्मा रूपी सोल जो था वो ट्रेवल करता है, राइट। उसी से विलियम बटलर को प्यार था, उसे स्पिरिचुअल लव था, उसके अंदर शारीरिक प्यार पाने की ख्वाहिश नहीं थी, उसके अंदर आंतरिक आत्मिक प्यार पाने की ख्वाहिश थी। इस वजह से वो औरों से कहीं जुदा है, है ना। उस भीड़ में एक ऐसा इंसान था जो मन लगा के प्यार करता था, लेकिन वो प्यार शारीरिक नहीं था, वो आध्यात्मिक प्यार था, और वो मन लगा के पूरे मन से, पूरे डेडिकेशन से वो प्यार करता था। उसके अंदर झूठा प्यार का कोई भी भाव नहीं था, उसके अंदर जितनी भी थी वो सारी प्यार, जितने भी वो एक्सप्रेस करता था, वो पूरे सच्चाई पर आधारित था। उसको किसी प्रकार का लस्ट वो वासनाओं से ग्रसित नहीं था, बल्कि उसके अंदर आध्यात्मिक प्यार का जो अंकुरण जो था वो फूट चुका था। यही वो बताना चाहते हैं और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एंड लव द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। हाँ, कुछ लोग थे जो लोग आपसे प्यार करते थे, आपके सुंदरता को एक्सप्लेन करते थे, आपकी सुंदरता की बड़ाई करते थे, आपकी सुंदरता को देखने के लिए हर वक्त आगे पीछे घूमते रहते थे, मैं भी ये हो सकता है। बट यहाँ पे एक ऐसा आदमी था, वो आदमी कौन है? विलियम बटलर इट्स, जो आंतरिक प्यार करता था, जो बाह्य सुंदरता की बड़ाई नहीं करता था, वो आंतरिक सुंदरता को ढूंढता था, राइट। वो कहता है कि वो लोग थे जो सुंदरता को केवल बखान करते थे, हो सकता है अच्छे पल थे तो उसके साथ बिता रहे थे, लेकिन बुरे पल में शायद साथ ना दे। लेकिन यहां पर ये विलियम बटलर एट्स ये बताना चाहते हैं कि ये उसके बदलते हुए समय में भी उसके साथ था, राइट। बुरे वक्त को भी वो प्यार करता था, वो बुरा से बुरा भी फेस होता था उसका, है ना, तो भी उसे प्यार करता था। बुरे समय में भी उसे उसके साथ प्रेम था। कुछ लोगों को अच्छे समय में बहुत प्यार होता है, अच्छा वक्त गुजर रहा है तो न जाने कितने संगत, कितने दोस्त, कितने यार मिल जाते हैं। जैसे ही बुरा वक्त आता है कि सारे के सारे अच्छे अच्छे मित्र सब दूर नजर आते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ विलियम बटलर एक चीज बताना चाहते हैं कि ये सच्चा प्यार करता था, राइट। ये पूरे मन से प्यार करता था। अभी जब वो बूढ़ी हो चुकी है होगी, उस समय भी उतना ही प्यार करेगा वो जितना कि वो बचपन, मतलब जितना कि वो उस समय प्यार करता था जब वो जवानी में वो खूबसूरत थी। तो बदलते हुए समय के साथ भी प्यार में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा विलियम बटलर इस सेकंड स्टेंजा में एक्सप्लेन करते हैं। अब बारी आती है थर्ड स्टेंजा की।
इसमें बताया गया है एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, आप ग्लोइंग बार्स कहने का मतलब चमकता हुआ रॉड जो गर्म होगा और गर्मी ठंड का महीना होगा, आप उस ठंड के महीने में अपने आप को हीट दे रही होंगी, है ना, उस समय क्योंकि आप बहुत बूढ़ी हो रही होंगी, कमजोर शरीर होगा उस समय, तो उस समय आपको अपने मन में आप शायद मरमर करेगी, मरमर अ लिटिल सैडली, आप मन में बुदबुदा के थोड़ा दुख भरे आवाज में आप ये कह रहे होंगे हाउ लव फ्लेड, आप ये कह रहे होंगे कि कैसे सब प्यार चला गया, भाग गया, अब जीवन में कोई प्यार नहीं है। एंड बेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, आप ये भी कहेंगे कि सारे शायद सारे प्यार जो हैं वो सब पर्वतों पे जाकर छिप गए हो या भाग गए हो, राइट। एंड हाइड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, या तो सारे प्यार जो है वो तारों में जाकर छिप गए हो, राइट। आप केवल रिग्रेट करेंगे जब आप इस कविता को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पोएट दैट मींस विलियम बटलर एक्स कितना प्यार करते थे, है ना। सो इस कविता से हम लोग जान पाते हैं कि विलियम बटलर एक्स किस तरह से अपनी प्रेमिका को प्यार करते थे, और ये प्यार कोई लस्ट का नहीं था, ये वासना रहित प्यार था, राइट। इसमें किसी भी प्रकार का शारीरिक प्यार का कोई भी एक्सप्लेनेशन है, प्यार उसको कहते हैं जिसमें मन को समझा जा सके, मन को रीड किया जा सके, है ना। और प्यार किसी समय का मोहताज नहीं है, हर वक्त होता है, प्यार किसी समय विशेष पर आधारित नहीं है, प्यार हर वक्त जिंदा रहता है, है ना। प्यार की अपनी एक अलग अंदरूनी दुनिया होती है, और उस दुनिया से विलियम बटलर होकर गुजरे थे कभी, वही उनकी फीलिंग्स इस कविता के माध्यम से बच्चों हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लास्ट वर्ड ये भी बताना चाहेंगे कि एक प्यार श्रीकृष्ण और राधा के बीच में, तो राधा और श्रीकृष्ण का प्यार वैसा ही था जैसे आज विलियम बटलर इट्स में एक्सप्लेन किया गया है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमको एक्सप्लेन तो करना चाहिए था राधा और कृष्ण की प्यार, शायद यहाँ पर विलियम बटलर इट्स की प्यार हो, है ना। हालांकि विलियम बटलर इट्स तो अभी जन्म लिए हैं, इनसे पहले श्री कृष्ण राधा आज से 7,000-8,000 साल पहले कभी इस पृथ्वी पे आए थे, और उन लोगों ने अपने प्रेम का एग्जाम्पल जो प्रस्तुत किया है उसमें वो एक्सप्लेन किया गया है, राइट। तो उस वक्त एक महारथी हुआ करते थे, ज्ञानी हुआ करते थे, जिनका नाम था उद्धव, और उद्धव जी बोले कि मैं जाकर के समझाऊंगा गोपियों को और राधा को कि ये प्यार कुछ नहीं है, ज्ञान मार्ग की धारा में बहने के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा था। बट वो जब जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो राधा उन्हें बताती है कि ये प्यार शारीरिक नहीं है, आत्मिक प्यार है, इस प्यार में श्री कृष्ण हमेशा सदैव मेरे साथ है, तो ये आत्मा का प्यार है, आत्मिक प्यार है, जो विलियम बटलर इट्स ने कभी अपने प्रेमिका से किया था। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आप लोग इन सब चीजों को समझ चुके होंगे। ऑल द बेस्ट एंड नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट।